يا محمد منبع الأنبياء محتى بحر إكنا زري كرم فما إن يا رمى محمد لمء الأنبياء محضى بحرك نزل كرم فرما إني وعليكم السلام شكر الله کا ریڈیو चलो फिर मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा मैं तो लेके नहीं आया दूर से, मुझे वो भी नहीं मिला, खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िशान हैदर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12 रबी अव्वल की रात का दिन है और जगह जगह लोगों ने पहाड़ियाँ वगैरह बनाई होती हैं और जगह जगह पे जो है न्याज और लंगर का अहतमाम होता है। तो बस हम भी निकलते हैं आज जाके आपको ज़रा पहाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखाएँगे। और आज भी हम मॉडल टाउन जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सजाया जाता है, रोज़े वगैरह बनाए होते हैं वहाँ पे। एक जगह ई ब्लॉक क्वार्टर, तो वहाँ पे जो उनसे ना वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह बनाई होती है और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलते हैं, आज आपको वो दिखाएंगे और इसके अलावा वहाँ पे जो न्याज और लंगर का अहतमाम किया होता है उसकी वीडियो दिखाते हैं आपको। तो बस अभी निकलते हैं, आज राजा भाई साथ जा रहे हैं, रियाज और राजा साहब, तो वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जाके सारी पहाड़ियाँ वगैरह। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, रेडी हो? चलो फिर चलें। हाँ चलो निकलो। ले जी, डी ब्लॉक पहुंच चुके हैं हम और रश बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिलें बहुत खड़ी हैं। अली भाई जो उनसे हैं वो अपनी बाइक को लॉक लगा रहे हैं, वायर लॉक लगा रहे हैं टायर को, पता नहीं आज लगा लेंगे कि नहीं। वो शुक्र है आता लगाने अली को है। चलो भाई चले। फिर बोल गया यार, क्या कर रहा है यार अली। अली भाई लगता है पहली दफ़ा वायर लॉक लगा रहे हैं अपनी बाइक यार। अली से वायर लॉक नहीं लगाया जा रहा, इतना बड़ा हो गया। Many months later. वायर लॉक को थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ना, गर्म हो जाता है। नहीं ठीक लग गया। ये जी हम मॉडल टाउन डी ब्लॉक क्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ लगी हुई हैं और नात खानी हो रही है। रश आज इतना ज़्यादा था कि बाइक्स जो सी हैं वो बहुत पीछे लगाई हैं। ई ब्लॉक क्वार्टर्स में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ बनाई गई थीं और यहाँ पे ये रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम, नजफ़ आप जाएँ तो वहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक जहाँ पे बना है वहाँ पे एक ज़री पड़ी है। ये सेम उसी की ही तर्ज की जो है वो मौला कायनात की ज़री बनाई गई है और काफ़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर। और देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह बिल्कुल डिटो कॉपी जो सी है वो बनाई गई है। और ये सारा जो है ये पेपर वर्क वगैरह किया जाता है और बड़ा ही मेहनत वाला काम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक बनाया गया यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रहा था। और ये देखें यहाँ पे ये शहबाज़ कलंदर
जो हैं वो उनका जो है वो बनाया गया रोज़ा मुबारक। और ये साथ ही जो हैं ये पहाड़ियाँ बच्चों ने बनाई हुई हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं वो आर्मी के वो खिलौने और जानवर वगैरह रखे गए हैं, और खाना काबा माशाल्लाह और मदीना मुनव्वरा जो है वो उसका मीनार बड़ा ख़ूबसूरत बनाया गया। और ये खाना काबा देखें, ये बड़े साइज़ का जो है ये बनाया गया है, और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ देखने आए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे पहाड़ियाँ। और बहुत ही मेहनत से जो है यहाँ पर लोगों ने और बच्चों ने मिलके जो है यहाँ पे पहाड़ियाँ बनाई हुई थी, खिलौने रखे हुए थे। ये खिलौनों में ये देखें ट्रेन का जो उनसा ट्रैक है और ट्रेन वो रखी गई है, और कलर्स के साथ जो है बड़ा ख़ूबसूरत सजाया गया है। साइडों पे उन्होंने जो है ये प्लास्टिक की रस्सियाँ सी बांधी हुई थी ताकि कोई अंदर एंटर होके ख़राब ना कर दे। और जो बच्चे जिन्होंने बनाया हुआ था वो यहाँ पर बैठे हुए थे पास ही। और यार ये मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, नलका लगा हुआ था जी, ये पानी जा रहा है जग में और लाइटें जल रही बड़ी खूबसूरत, लेकिन ये नलका हवा पे है ना, इसके ऊपर है कुछ का ना नीचे है, ये भी बड़ा लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था। और ये देखें बिल्कुल ख़ूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर ये इन्होंने पहाड़ियाँ बनाई हैं, और सबील वगैरह लगी हुई थी पानी की। इसके अलावा और जगहों पे भी काफ़ी यहाँ पे ई ब्लॉक क्वार्टर्स में जो है वो सबील का, शरबत का, लंगर का अहतमाम था। और ये देखें ये मस्जिद कूफा जोन्स है, उसके तर्ज का ये पूरा मस्जिद कूफा का एक नक्शा तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो है वो सामने आप जो देख रहे हैं वो रोज़ा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बनाया गया है। बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, ये मीनार बनाए गए हैं और ये पूरा जोन सा ख़ूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, और लोग जो हैं वो दूर दूर से ये सब कुछ देखने के लिए आते हैं। ये देखें जी मस्जिद कूफा, इसका इन्होंने यहाँ पे ये एक कुतबा भी जो है वो रखा हुआ है जी, कि ये मस्जिद कूफा की जो है वो शबी बनाई गई है यहाँ पर। और वो सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक बहुत ख़ूबसूरत लिखा हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे थे। चलते चलते आगे भाईजान ये हमें मिल गए हैं जी, फारूक भाई। फारूक भाई जो हैं वो यहाँ पे आइसक्रीम्स जो हैं वो लोगों में तकसीम कर रहे थे। और ये जो मस्जिद कूफा का नक्शा तैयार किया जाता है, ये फारूक भाई अपने दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ मिलकर बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज में बनाते हैं। उन्होंने मुझे देखा, और ये देखें रियाज भाई ने आगे हो के उनसे ये आइसक्रीम्स जो हैं ये पकड़ ली हैं, और रियाज भाई ने ला के पकड़ाई, और अब हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। आ हा 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 जी, मज़ा आ गया, ठंडी ठार कुल्फ़ा आइसक्रीम जो थी और वो हमने खाई। और थोड़ा सा ही हम आगे गए हैं, ये अब हम वापस जा रहे थे, तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ही जो है वो ख़ूबसूरत पहाड़ियाँ जो उनसी वो नज़र आई यहाँ पे रुक के, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना ली जाए, आपको दिखाया जाए। और यहाँ पे ये इन्होंने बल्ब और रोशनी के साथ और मोमबत्ती जो है वो एक जगह पर लगाई हुई थी, बल्कि ये सारी मोमबत्तियाँ लगाई हुई हैं जगह जगह पर। और ये देखें ये टेबल के ऊपर खाना काबा जो है वो बना के रखा हुआ। और थोड़ा सा आगे जाते गए हैं तो जी ये भठूरे गरम गरमा, और ये लाइव भठूरे यहाँ पे लग रहे थे, लोग यहाँ पे भठूरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। और यहाँ पे भी रुक के मैंने कहा आपको दिखाया जाए कि जी लंगर बेहतरीन किस्म का यहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये देखें जी ट्रेज़, ये जो डिस्पोजिबल गत्ते की ट्रेज़ होती हैं ये यहाँ पे सजाई हुई थी, और उन्होंने हलवा जो है वो तकसीम किया जा रहा था लोगों को। काफ़ी लोगों का रश था और लोग काफ़ी दूर दूर से ये पहाड़ियाँ देखने के लिए मॉडल टाउन ई ब्लॉक क्वार्टर्स पे आते हैं हर साल, और यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जश्न को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ही आगे जाएं तो वहाँ पे नात खानी का भी सिलसिला हो रहा था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठ के नाते वगैरह पढ़ रहे थे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है वहाँ पे मौजूद जो नात खवां बड़े नात खवां हैं वो उनको तोहफे तहाइफ दे रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था यहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से अब वापस जा रहे हैं, और ये लें जी हम अपनी बाइक्स के पास पहुँच गए, क्योंकि बाइक्स जो थी वो काफ़ी दूर खड़ी की थी हमने रश की वजह से, आगे बहुत ज़्यादा रश था। तो अब बस हम यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे यहाँ से सीधा बी ब्लॉक, मॉडल टाउन बी ब्लॉक जाएंगे, वहाँ पे जो है वो न्याज और लंगर का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम होता है। तो अब वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाके जो है वो न्याज और लंगर करते हैं।
तो ये बस अली भाई मोटरसाइकिल निकाली अली भाई ने। यार यहाँ पे बी ब्लॉक पहुँचे तो यहाँ पे एक ये होंडा सिटी 70 किसी ने तैयार करवाई हुई थी और बिल्कुल कैफे रेसर बनाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना के आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ कि यार क्या ज़बरदस्त किस्म की बाइक तैयार हुई थी, मुझे बड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना दे। थोड़ा सा जब हम एंटर होने लगे आगे तो यहाँ पर ये बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ बनाई थी। ये देखें दो पहाड़ियाँ बनी हैं कलरफुल, और एक मिट्टी की और ये दरिया से एक बनाया हुआ उसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह थी। और ये हम बी ब्लॉक एंटर हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस मार्केट को सजाया गया था। असल में ये बी ब्लॉक की मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इसको सजाया गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, जो है जश्न का यहाँ पे समा बड़ा ज़बरदस्त था, लोग आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे लंगर और न्याज जो है उसका सिलसिला चल रहा था, सबील का सिलसिला चल रहा था। तो हमने आगे जाके देखा कि यार कुछ नज़र आए तो फिर हम भी कुछ खाते पीते हैं। तो चलते चलते जी ये हम पहुँचे थोड़ा सा आगे, और इससे थोड़ा सा ही आगे पहुँचे वकास भाई को। असल में मैं ढूंढ रहा था कि उन्होंने कहा था कि यार जब तुम आओगे ना तो मुझे आके मिलना। ये खड़े हैं जी वकास भाई, तो ये यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं जी लड्डू बीठियाँ विद बेहतरीन किस्म की चटनी। तो इनसे हमने ये खाई थी और बड़े मज़े की जो है वो यहाँ पे लड्डू बीठियाँ गर्मा गर्म तैयार हो रही थी। तो थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो यहाँ पर जो है वो चावल चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियंस विद शाशलिक, वो जो होता है यार चाइनीज़, वो यहाँ पे तकसीम किया जा रहा था। नज़्म व ज़ब्त का बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला था और यहाँ पे मॉडल टाउन सोसाइटी के गार्ड्स जो उनसे थे वो मौजूद थे और लोगों को लाइन में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो है वो चला रहे थे ताकि वो लंगर जो है वो सही तरीके से तकसीम हो सके, और लोग नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे थे। यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, हम भी लाइन में लग गए, हमने कहा चलो यार हम भी ये लंगर जो है वो टेस्ट करते हैं कि कैसा है। तो फिलहाल हम लाइन में लगे हुए हैं और ये देखें जी ये हम ले आए जी, ये चाइनीज़ डिश है जी, चाइनीज़ चावल हैं और ये शाशलिक क्या कहते हैं इसको, चिकन शाशलिक जो भी होता है, बहुत ही टेस्टी था ये भी, हमने टेस्ट किया। और थोड़ा सा आगे गए हैं, वापस हम जा रहे थे तो यहाँ पे जी लग रहे थे ये क्या चीज़ है जी, ये पापड़ है जी, गर्मा गर्म पापड़। और थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पे एक दोस्त है मेरे सादी भाई, उन्होंने लगाई हुई थी जी फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट उनसे ली है और वो खाई है और बड़े ही मज़ेदार किस्म की फ्रूट चाट थी। और राजा भाई उधर से ले आए जी कोरमा अपने लिए और वो बोटियाँ रगड़ रहे थे, ये देखें जी राजा भाई जो उनसे हैं वो बोटियाँ रगड़ रहे हैं और मैं जो फ्रूट चाट खा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया हमने, खाया पिया, और उसके बाद जो है ये हम जब वापस जाने लगे जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो यहाँ पे वापसी पे इन्होंने ये जो है रबड़ी वाला दूध जो उनसा था वो लगाया हुआ था, तो हमने यहाँ से रबड़ी वाला दूध भी पिया, बहुत मज़ेदार था। और बस अब यहाँ से वापस चलते हैं। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ ही मुझे ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।